Hello friends, I am back with another video tutorial of Adobe Photoshop. In this video tutorial, I am going to show you how to use Adobe Photoshop without installing any third party application in your PC. दोस्तों हम लोग कैसे बिना फोटोशॉप को यूज़ किए, मतलब बिना आपने लैपटॉप पे या फिर पीसी पे इंस्टॉल किए हुए आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा। तो स्टे ट्यून्ड विद XOAD, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है दोस्तों कि आपको क्रोम ओपन कर लेना, उसके बाद आपको यहाँ टाइप करना है pixlr.com, ठीक है, उसके बाद एंटर क्लिक करना है। ठीक है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं इस टाइप की विंडोज़ हमारे यहाँ खुल गई है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ दिए हुए हैं जैसे कि वेब एप्लीकेशन, मोबाइल, ब्लॉग और मेड विथ पिक्सलर। मैं अभी इस सब के बारे में बात नहीं करूँगा, तो चलिए मैं सीधा नीचे चलता हूँ। आप इस पर क्लिक कर सकते हैं या फिर यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके नीचे जा सकते हैं। अगर आप और एक बार ध्यान रखना है कि आपके इस पर एड ब्लॉकर लगा होना चाहिए। एड ब्लॉकर लगा हो तो वो क्या होगा कि आपके फुल स्क्रीन पे शो होगा। चलिए आपको मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। आप लोग सीधा यहाँ से डायरेक्टली इस पर क्लिक करके नीचे जा सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं ये खुल गया। यहाँ पे एक है पिक्सलर एडिटर। इस पर क्या होगा, आपकी पूरी एकदम फोटोशॉप में जो आप कर सकते हैं दोस्तों, आप इस एप्लीकेशन के द्वारा, इस वेब एप्लीकेशन के द्वारा आप सब कुछ कर सकते हैं। अगर देखा जाए, अगर मैं बात करूँ तो 100% जो फोटोशॉप यूज़ कर सकती है, आप इसमें 80% वो काम इस पर भी कर सकते हैं। तो आप बिना किसी फोटोशॉप को इंस्टॉल किए आप यहाँ पर आके यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉन्च वेब ऐप, ये कुछ इस टाइप की विंडो खुल जाएगी। और देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था ना ऐड ब्लॉकर के बारे में, ये देखिए आप अगर यहाँ ऐड ब्लॉक करके रखेंगे तो ये आपकी फुल स्क्रीन पे खुलेगी। मैंने ऐड ब्लॉक नहीं किया है क्योंकि मैं यूट्यूब करता हूँ और वैसे ही तो ऐड की ज़रूरत पड़ती है मुझे, तो इसलिए यहाँ पे मैंने ऐड ब्लॉकर नहीं लगाया। आप लोग ऐड ब्लॉकर लगाएंगे तो ये आपको फुल स्क्रीन पे दिखेगा। और बाकी यूज़ सब सेम है यहाँ पे दोस्तों। आप यहाँ से क्रिएट इमेज कर सकते हैं, ओपन इमेज कर सकते हैं, आपके कंप्यूटर से URL आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। URL मतलब कि आप कोई भी फोटो अपने गूगल पे ढूंढा उसके URL अगर यहाँ पेस्ट करेंगे तो वो इमेज आपकी यहाँ पे खुल जाएगी। तो इस तरीके से आप, या फिर आप Adobe Photoshop की आपकी लाइब्रेरी है, आपने Photoshop पे अकाउंट क्रिएट करके वहाँ पे आपने लाइब्रेरी बनाया तो वो भी वहाँ से भी आप इमेज को ग्रैब कर सकते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए यहाँ पे ओपन इमेज फ्रॉम कंप्यूटर कर लेते हैं। उसके बाद फोटोशॉप पे जाते हैं। उसके बाद मैं कोई भी इमेज को यहाँ पे ग्रैब कर लूँगा, जैसे कि मुझे मैं ये ले लेता हूँ। ये देखिए ये इमेज आपकी यहाँ पे आ गई है। आप यहाँ पे सब कुछ कर सकते हैं, जो चाहे वहाँ कर सकते हैं यहाँ पे। तो सिंपली मैं यहाँ पे चलिए कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ से फॉन्ट वगैरह आप जो चाहे वो चेंज कर सकते हैं। जो आप फोटोशॉप पे कर सकते हैं मैक्सिमम काम आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि सारे टूल्स यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे टूल्स यहाँ पे सेम है। आप जो काम वहाँ कर सकते हैं सारे यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे ये ले लिया, ये देखिए जो मैं वहाँ कर पा रहा हूँ यहाँ पे सारे। बेसिकली देखा जाए तो ये पूरा फुल Adobe फोटोशॉप है। यहाँ पे 80% आपको फोटोशॉप की सारी काम यहाँ पे हो सकती है। तो इस तरीके से आप फोटोशॉप यूज़ कर सकते हैं विदाउट इंस्टॉलिंग एनी एप्लीकेशन। चलिए मैं इसके और भी फीचर्स दिखाता हूँ आप लोगों को। आपको होम पेज पे फिर से चले जाना है। यहाँ पे ये देखिए यहाँ पिक्सलर एक्सप्रेस आया है। यहाँ पे क्या होगा आपको, चलिए इस पे भी लॉन्च करके देख लेते हैं। इस पे जो आप लोग कोलाज फोटो जो बनाते हैं, जो फ्रेम बनाते हैं, जो दो तीन फोटो बना के आप कोलाज करते हैं उसे, वो सब इफेक्ट्स आप यहाँ पे इजीली क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से विंडो खुल गई है आपकी। आप यहाँ पे इमेज ब्राउज कर सकते हैं, वेबकैम आप यूज़ करके वही फोटो को सेम एडिट कर सकते हैं आप। तो चलिए मैं यहाँ पे कोलाज पे दबाता हूँ। कोलाज पे दबाया, उसके बाद आप यहाँ से कोई भी लेआउट सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लेआउट दिए हुए हैं, आप किसी भी एक को ग्रैब कर सकते हैं। चलिए मैं सिंपली इसे ग्रैब करता हूँ और प्लस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपकी इमेज सेलेक्ट करने के लिए आ जाएगी। ये मैंने कर लिया इमेज। आप यहाँ से चाहे तो स्पेसिंग यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं। राउंड आप लोग जो एक नॉर्मल ऐप में करते हैं वो आप सारे यहाँ पे कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे सब कुछ कर सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ फिनिश कर सकते हैं, फिनिश करके यहाँ पे सेव का ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ से सेव भी कर सकते हैं। और इफेक्ट्स, एडजस्टमेंट, ओवरले, बॉर्डर, स्टिकर्स, आप जो चाहें यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि इफेक्ट डालना है आप लोगों को, ये देखिए इफेक्ट को एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ये देखिए जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। यहाँ पे बॉर्डर चाहिए आप कोई भी बॉर्डर लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। आ गया स्टिकर्स ले सकते हैं आप, यहाँ बहुत सारे स्टिकर्स हैं यहाँ पे, आप जिसको चाहे उसको ग्रैब कर सकते हैं। ये देखिए स्टिकर्स के अंदर स्टिकर्स है,
ये देखिए यहाँ लोडिंग हो रहा है, इस जगह पे आपको दिखाएगा कि 100% लोडिंग हुआ कि नहीं हुआ। उसके बाद ये आप यहाँ पे आ गया, इसको ग्रैब करके आप कहीं भी लगा सकते हैं और कलर यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, आप कोई भी कलर दे सकते हैं, जैसे कि मैं वाइट दे रहा हूँ। अप्लाई, ठीक है, इस तरीके से आप सारे कर सकते हैं और सेव करके इसे रख सकते हैं। ये देखिए ये मैंने जो अभी पिक्चर बनाई थी ये यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरीके से आप फोटोशॉप और ये जो पिक्सलर जो एडिट एक्सप्रेस है इसको आप यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी थर्ड पार्टी इंस्टॉलेशन एप्लीकेशन। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मोर अपकमिंग वीडियो के लिए प्लीज़ बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, इससे आपको हमारी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और थैंक यू फॉर दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड विद XOAD। पीस, जय हिंद।